नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीडी की स्पेशल रिपोर्ट है। मैं हूं आपके साथ अनु शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपिका। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है और हिंदू मान्यता में माना जाए तो महाशिवरात्रि का पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन जो है माँ पार्वती और शिव जी का जो है विवाह हुआ था। आप देख सकते हैं मंदिर में जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, सब लोग जो है मंदिर में अपनी मुरादों को लेकर आए हैं और सभी लोगों ने जो इस मतलब महाशिवरात्रि का जो व्रत है उन्होंने किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं जो इस मंदिर में लगी हुई हैं। शिव का जो ये महाशिवरात्रि का व्रत है, पूरी दुनिया है इस महाशिवरात्रि के व्रत को रखती है और पूरे धूमधाम से है जो इस महापर्व को मनाया जाता है। अब आगे जो है आपको मेरी सहयोगी आपको दीपिका जो है वो बताएंगी कि मंदिर में जो लोग आए हैं उनकी क्या क्या मुरादें हैं और जो लोगों ने व्रत रखा है वो किस लिए रखा है और जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो किस लिए मनाया जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ दीपिका। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिवरात्रि का महोत्सव है। शिवरात्रि का व्रत जो है सभी महिलाओं ने किया हुआ है। यहाँ पे जो है सभी शिव की पूजा करने के लिए आप देख सकते हैं लाइनों में जो है वो लेडीज़ लगी हुई हैं। सभी लोग जो हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ जो हैं यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं और शिव जी का पूजन जो है वो कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर हम उनसे पूछते हैं कि शिव जी का जो व्रत है वो क्यों किया जाता है। नमस्कार मैम। मैम आप हमें ये बताइए कि शिवरात्रि का व्रत है ये क्यों किया जाता है, आप बताइए मैम। इस दिन शिव जी की शादी हुई थी, उसी दिन को हम मानते हैं और इसीलिए हम अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। आप लगभग कितने सालों से जो है ये व्रत करती आ रही हैं? मैं करीब बचपन से ये व्रत करती आई हूँ, जैसे मैंने होश संभाला है 8-9 साल से। मैंने सुना है जैसे हम पिछली बार यहाँ पे आए थे तो कुछ लोगों ने हमें बताया यहाँ पे कि जो व्रत है वो अपनी मनोकामना होती है उसको पूरी करने के लिए जो है इसलिए करते हैं व्रत। हाँ जी, ऐसे भी होता है, हमारी जो कोई इच्छा हो उसको भी हम भगवान शिव के सामने रखते हैं, वो भी पूरी होती हैं। एक्चुअली ऐसे तो ये आज शिव की शादी हुई थी इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। जी धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर उन्होंने किस लिए ये व्रत किया है। हेलो हेलो, आप कितने सालों से जो है ये व्रत करते आ रहे हैं? मैं बचपन से व्रत कर रहे हैं। अच्छा, क्यों करते हो ये व्रत? शिवरात्रि के लिए, शिव जी भगवान जी के लिए। अच्छा, कोई विश हो? कैरियर अच्छा हो बस। ओके थैंक यू। आपने क्यों किया है ये व्रत? ऐसे ही घर वालों ने बोला कर लो, ऐसे किया है। कोई बात नहीं, अच्छा इन्होंने ऐसे व्रत किया है। आपने क्यों किया है ये व्रत? मैंने नहीं किया व्रत, तो नहीं किया। अच्छा, ये भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पे आई हैं। आइए हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, आपने व्रत किया है आज? शिवरात्रि का व्रत किया है। क्यों किया है? ऐसे करती हूँ मैं। अच्छा, ये जो शिवरात्रि का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है? जैसे अच्छा वर भी मिलता है उनके लिए भी होता है, अच्छा वर भी मिलता है जिनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है उनके लिए होता है। अच्छा, अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करने के लिए आप ये व्रत कर रही हैं। ओके, ऐसे भी मैं रखती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ उनको, शिव भगवान को। अच्छा, आप शिव जी भगवान को मानती हैं इसलिए इन्होंने शिव जी को मनाने के लिए अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी करने के लिए ये व्रत रखा है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम आप लगभग कितने सालों से ये व्रत करती आ रही हैं? ये तो याद नहीं है, जब से मतलब 8-9 क्लास से करते आ रहे हैं। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि शिव जी का व्रत क्यों करते हैं? शिव जी का व्रत क्या बोलते हैं, आज बोलते हैं कि शिव और पार्वती जी की शादी भी हुई है, उस पे मनाते हैं, बाकी तो आपको पता ही है। ओके धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। मैम आप हमें ये बताइए कि जैसे जो शिव जी का व्रत है इस दिन बताते हैं कि 4 पहर में पूजा की जाती है, तो वो किस प्रकार से की जाती है? इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। ओके, इसका इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ये हमें पंडित से ही पूछना पड़ेगा जिससे सभी लोगों को पता चल सके। हेलो, व्रत किया है आपने? क्यों किया है? अच्छे पति के लिए। वाह, अच्छे पति के लिए इन्होंने व्रत किया है। वाह वेरी नाइस, इनको अच्छा पति चाहिए इसलिए इन्होंने व्रत किया है। आपने भी किया है? किस लिए किया है? सेम, अच्छे पति के लिए। कितनी एज होगी आपकी? मेरी 18।
18, तो अभी तो आपको फिलहाल अपने करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, आपको सेटल होने के लिए उसके लिए सोचना चाहिए, पति के बारे में बाद में सोचना। हेलो हेलो, आपने भी किया व्रत? नहीं किया है। अच्छा, आप ये तो पता होगा कि शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? अच्छा पति पाने के लिए करते हैं। अच्छा पति पाने के लिए करते हैं। गोरा जो पार्वती जी थी, उन्होंने भी अच्छा पति पाने के लिए जो है ये व्रत किए थे, तभी से सभी लड़कियां जो है मैक्सिमम, कुछ तो हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जो है ये व्रत करती हैं और कुछ अच्छा पति पाने के लिए जो है ये व्रत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम अभी लड़कियों से मैंने बात की तो वो बता रही हैं कि उन्होंने अच्छा पति पाने के लिए जो है ये व्रत किया है। चलो लड़कियों ने तो चलो अच्छा पति पाने के लिए किया होगा, पर लड़कों ने क्यों किया है ये व्रत? लड़कों ने भी अच्छी पत्नी पाने के लिए या अपने पढ़ाई के लिए किया। अच्छा, तो धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा हमने कुछ लोगों से बात की, अब हम अंदर चलेंगे पंडित जी के पास, उनसे थोड़ा जानते हैं कि ये जो चार पहरों में जो पूजा की जाती है ये किस प्रकार से की जाती है और ये शिव जी का जो महाशिवरात्रि है ये क्यों मनाई जाती है। तो दर्शकों अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, तो हम यहाँ पे जानते हैं पंडित जी से कि आखिर ये शिवरात्रि का महोत्सव जो है वो क्यों मनाया जाता है। हर हर महादेव, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि का दिन क्योंकि आज ही के दिन जो है वो शिव शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में जो अवतरित हुए थे, और इसके अतिरिक्त आज जो है वो शिव शंकर बैरागी का जीवन त्याग कर करके गृहस्थ जीवन में आज के दिन प्रवेश किया था, तो ये दिन शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन ये महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से जो है मनाया जाता है। ओके, तो इसमें जो है बताया जाता है कि चार पहरों जो में जो है वो पूजा की जाती है, तो उसकी क्या विधि है, किस तरह से की जाती है ये चार पहर की जो पूजा है? जिसके पीछे भी एक कहानी है कि एक जो है वो शिकारी था जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और शिकार के प्रतीक्षा में कहते हैं कि ऐसे बिल के वृक्ष पे चढ़ कर के उसके नीचे शिवलिंग था, तो ऐसे चार पहरों में जो से अनजाने में जो बिलपत्री जो है उस शिवलिंग के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण से जो उसकी पूजा सफल हो जाती है और शिव जो साक्षात रूप से उसको दर्शन दे देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो इसलिए चार पहर की पूजा जो उस समय से प्रचलित है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से चार पहरों में जो है वो पूजा की जाती है और क्या उसकी विधि है, क्यों जो है ये पूजा की जाती ही है।